अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेमेडी, थोड़ी सी कुकिंग से हट के, कुकिंग से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मेरी अक्सर वीडियोस कुकिंग से रिलेटेड होती है, तो ये थोड़ी सी हट के। तो आज मैं सिर्फ मेरी जो वीडियो से वो लड़कियों के लिए है स्पेशली, और जो मैं रेमेडी आप लोग के लिए लाई हूँ आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी वो है फेशियल रिमूव हेयर रिमूवल के लिए। अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी है, जिन लोगों के कम कम होते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग मतलब इस रेमेडी की इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ बातें जो कि हमारे जो अक्सर फेशियल हेयर के रीज़न्स होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। तो जिनमें कुछ रीज़न्स जो हैं वो हैं जी, जो हमारी जो विरासत से स्पेशली, मतलब अगर हमारी जो अक्सर लड़की छोटी बच्चियों के भी फेशियल हेयर्स होते हैं, कुछ के बड़े बड़े होते हैं, तो अक्सर ये हमारे पास जीन्स में आ जाते हैं। फिर कुछ जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास जो जंक्स फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये चीज़ें हर टाइम जो खाते होते हैं उनके अक्सर हो जाते हैं बच्चों के। उसके अलावा जो वेट गेन की वजह से हमारे पास होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अगर हम लोग इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको मेरी ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और इसका यूज़ करें और सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सेम आप लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हैं बेसन, हल्दी, ये हमारे पास पिसी हुई फटकड़ी है, कुछ ऐसी होती है, इसको पीस लें तो ऐसी होती है, ठीक है, पीस लेनी है आप लोगों ने। इसको दूध है थोड़ा हल्का सा नीम गरम, इसकी जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं पानी। इसके अलावा ये आ गया हमारे पास दही, ठीक है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, सेम यही चीज़ ऐड करनी है, अपने फेस पे लगा लेना है, उसको थोड़ा सा रब कर लेना, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद रब कर लेना और फिर वॉश कर लेना है। और तकरीबन ये भी जो सारा कुछ है प्रोसेस आप लोगों ने वीक में 3 बार करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, मतलब एक मंथ में 15 डेज तकरीबन आपके पूरे हो जाएँ तो सही रहेगा। क्योंकि हम लोग जब स्किन को बार बार रब करते हैं ना तो उससे हमारी स्किन थोड़ी सी डैमेज सी हो जाती है, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहती, तो इसलिए हम लोगों ने इसको मंथ में 15 डेज करना है और एक मंथ के अंदर अंदर आपके जो बाल है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएंगे। ये मैंने ख़ुद भी ट्राई किया और आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या, हाँ, और एक सबसे जो मेन रीज़न है हमारे जो अक्सर जो फेशियल हेयर का है ना वो है, जो लोग अक्सर बस बग़ैर ज़रूरत के वैक्सिंग करते हैं, ब्लीच करते हैं, फेशियल करते हैं बग़ैर ज़रूरत के, बार बार करते हैं, तो उससे भी हमारी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, हमारे बालों फेस पे बाल निकलने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास ये जो है ये बहुत बेस्ट है, आप लोग भी इसको ट्राई करना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, बेसन, हल्दी और फटकड़ी, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने इसमें, अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को इसमें ऐड कर लेना है, इसमें फिर दही डाल देना है और ये दूध डाल देना है। दूध की जगह आप लोग पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, जिन लोगों को अक्सर लोग पानी यूज़ करना चाहें। मैं इस बाउल में ये चीज़ें डाल लेती हूँ। ये जो फटकड़ी है ना ये मैंने ये पीस के रखी हुई है, ठीक है, ये 3 चीज़ें, ये एक दही और साथ ही दही दूध और दही। चलिए इनको मैं ऐड करके इनको मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये कुछ पेस्ट सा बन गया, दही भी मेरा पूरा नहीं डाला, बस पेस्ट सा बना लेना है और दूध भी पूरा नहीं डाला। अच्छा, ये जो हमारा पेस्ट है ना इसको हम लोगों ने फेस पे अप्लाई करना है, 5 to 6 मिनट्स तक ये ड्राई हो जाएगा और उसके बाद इसको रब करके और वॉश कर लेना है। जहाँ जहाँ हमारे बाल आते हैं ना, चिन पे हों, ये नीचे ये अपर लिप्स आए, फेस जहाँ पे भी हो बस वहाँ पे अप्लाई कर लेना। अगर पूरे फेस पे आते हो तो पूरे पे अप्लाई कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोगों ने इसको रब करके और देन फेस को वॉश कर देना है। 15 डेज में आपको 2 to 3 टाइम जब आप करेंगे तो आपको सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा और एक मंथ के अंदर अंदर आपके जो बाल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।